हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले सभी लोगों को छठ की बहुत 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 सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। सो अ वेरी हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो देखिए, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की इस तैयारी में, जहाँ आप और मैं एक बार फिर से मुलाकात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के अध्यापक एवं अध्यापिका बनने के लिए। और इसी रास्ते में हमेशा से, जैसे मैं आपका साथ निभाती आई हूँ, आज फिर हम लोग छठ की शुरुआत में ही अपने इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी कहीं से भी किसी भी तरीके से तैयारी चूके। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे अभी लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो कि रोज आया करते थे क्लास में, बट कोई बात नहीं, ये क्लास आप लोगों की रिकॉर्डेड सेव हो जाएगी और आप लोग आराम से इसे बाद में देख के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू दिव्या पाठेकर, स्वाति कुमारी, राइजिंग अंजू, अश्मिता कुमारी एंड एवरीवन। हाँ, आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई क्योंकि ये सेटअप करना था और टीम ये सेटअप कर रही थी आज मैं क्लास, क्योंकि आज छठ है तो मुझे भी थोड़े से काम है, तो इसी वजह से आज ये क्लास थोड़ी सी आप लोगों की डिले हो गई है। बट एनीवेज, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कि हमारे डेली एमसीक्यूज चलते हैं, इसी तरीके से हम अपने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो लोग पहली बार आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है बिहार अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप फटाफट से प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके इसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन होता है और उस कम्युनिटी के थ्रू आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं और यहाँ अड्डा की जितनी भी फैकल्टीज हैं आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो एक फायदा है ही, साथ ही आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, कभी कोई जॉब नोटिफिकेशन आती है तो वो भी आप देख सकते हो। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप एप्लीकेशन पे मौजूद ही सब्जेक्ट वाइज क्विज लगाएंगे। ठीक है, बाकी रिविजन के लिए आपको पावर कैप्सूल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, करेंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए मैगजीन्स हर महीने अपलोड होती रहती हैं। ठीक है, आप चाहें तो मिक्स वाले डेली क्विज भी लगा सकते हैं और करंट अफेयर तो आप लोगों का लगातार चलता ही है। ठीक है, तो एप्लीकेशन, और साथ ही साथ अगर आप कोई बैच बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप एप्लीकेशन के थ्रू ना फिर वो भी कर सकते हो, अगर आप बैच खरीदते हो तो आपको थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो चलिए, ये सब बात तो रही बिहार अड्डा की, अब आप लोग मुझे बताएंगे अपने बारे में। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू गाइज रेडी? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी से बताइए, तैयार है सभी लोग? नहीं है खान, पेड क्लासेस छठ की वजह से पिछले 2-3 दिनों में बंद रही हैं, तो आज भी आप लोगों, मतलब अगले 2-3 दिन तक आपकी बंद रहेगी। ठीक है, आज मैं इतू सी लग रही हूँ। हाँ, आज की क्लास ऐसे ही चलेगी। एस खान, मैं मैसेज पढ़ रही हूँ आपके। चलिए जल्दी से बताइए, आर यू ऑल रेडी? क्लास को शुरू करें, आज के क्वेश्चंस की शुरुआत की जाए, आज की क्लास की शुरुआत करें। चलिए, तो देखिए आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, देखिए आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन इन इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग में पॉलीथीन के निर्माण। उद्योग
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पॉलीथीन जो है वो आप लोगों का कैसे बनता है, किसके पॉलीमराइजेशन से आप लोगों का पॉलीथीन बनता है? वेरी गुड। तो पॉलीमराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के अंदर हम लोग कई बार कर चुके हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहु है ना, और मर क्या होती है? मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो जब हम कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ के उनकी एक लंबी सी श्रृंखला बनाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है आपका पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। देखिए तो पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन अपने, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत सारी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो जब आप बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसी को जोड़ के जो आपको एक लंबी सी चेन मिलती है, जो एक लंबी सी श्रृंखला मिलती है, उसी को पॉलीमर बोला जाता है। और जब इन्हीं को जोड़ के आप लंबी चेन बनाते हैं, तो उसी प्रोसेस को कह दिया जाता है पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे पॉलीथीन बनाने के लिए आपका इथाइलीन बार बार जोड़ा जाता है। इस टाइप के आपको बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि पॉलीथीन, पॉलीथीन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इथीन चाहिए होता है। हालांकि जब यही जलता है तो ये इथाइलीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप इथाइलीन भी करेक्ट आंसर बता सकते थे। बाकी पॉलीथीन जो है वो पॉलीथीन आपका इथीन से बनता है, जो कि टॉय, बॉटल, बैग, पाइप, डस्टबिन, ये सब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपसे टेफ्लॉन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टेफ्लॉन किस तरीके से पूछा जाता है? टेफ्लॉन एक तो इसका मोनोमर क्या है? मोनोमर को हिंदी में कहा जाता है एकलक। ठीक है, मोनोमर को हिंदी में क्या कहा जाता है? मोनोमर को हिंदी में कहा जाता है एकलक। तो टेफ्लॉन बनाने के लिए क्या चाहिए? टेट्रा फ्लोरो इथीन से बनता है आपका ये टेफ्लॉन। टेफ्लॉन काम कहाँ आता है? आपने नॉन स्टिक के बर्तन देखे होंगे, तो वही जो वो नॉन स्टिक के बर्तन, उनके ऊपर आपने देखा होगा कि काले रंग की कोटिंग की हुई होती है, काले रंग की परत चढ़ाई हुई होती है। तो उसी काले रंग की परत को चढ़ाने के लिए ही, उस काले रंग की परत को चढ़ाने के लिए जिस सब्सटेंस का, जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका एक पॉलीमर है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, टेफ्लॉन होता है। ठीक है, हाँ, दीदी, वो जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पॉलीस्टाइरीन। ये आपसे कभी भी इसका मोनोमर नहीं पूछेगा, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे स्टाइरीन जोड़ के पॉलीस्टाइरीन बनता है। हाँ, आपसे ये पूछ लेगा कि रेडियो वगैरह बनाने के लिए कौन से पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बता देंगे पॉलीस्टाइरीन का। पीवीसी के बारे में पूछ लेता है, पीवीसी किसका बना हुआ होगा, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ होता है ना। इस तरीके की कई सारी चीजें हैं। हिंदी में भी यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सारे पॉलीमर्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे वातावरण में ओजोन परत की कमी के लिए इनमें से कौन सी रासायनिक सामग्री है जो जिम्मेदार है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl2, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बताइए हमारे ओजोन डिप्लीशन के लिए इनमें से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? चलिए एस खान, क्या नहीं पढ़ा जा रहा है, चार्ट नहीं पढ़ा जा रहा है? चलिए देख लीजिए, तो ये जो सारी चीजें दी हुई है ना, ये सब है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। तो बेसिकली आपकी ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जिसमें आता है आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ओजोन ग्रीन हाउस गैस में फिलहाल अभी हम नहीं लेंगे, हम 6 ग्रीन हाउस गैसेस लेंगे, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन। कैसे? देखिए होता क्या है, आपके एटमोसफियर में ना बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद है। आपके एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, बहुत सारी इस तरीके की ऑक्सीजन मौजूद है, O2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब जैसे ही सन से सोलर रेडिएशंस आती हैं और वो सन में मौजूद यूवी रेडिएशंस यानी कि पराबैंगनी किरणें आपके इस O2 मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती हैं, तो वो इसे क्या कर देती हैं, इसे ब्रेक कर देती हैं। यानी कि अब ये जो दो ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हुए थे, ये दोनों ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, जब इनके बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा, किसकी वजह से टूटता है, यूवी रेज की वजह से टूटता है, पराबैंगनी किरणों की वजह से टूटता है। तो जब इन पराबैंगनी किरणों की वजह से टूटेगा तो ये ओजोन क्या होते हैं, ये दोनों ओजोन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग अलग होते ही आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो ओजोन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये सभी ओजोन आवेश की वजह से यानी कि अपने ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो गए हैं, अनस्टेबल हो गए हैं। अब स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए ये जाके जुड़ जाते हैं किसी और O2 के साथ और मिलके बना लेते हैं ये क्या, O3। इस तरीके से आपका ओजोन बनता है। तो ओजोन बनने के लिए क्या हुआ, ओजोन बनने के लिए सबसे पहला स्टेप हुआ कि आपके O2 मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, इन O2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब पराबैंगनी किरणें पड़ी, यूवी रेज पड़ी, तो ये ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। फिर यही ओ नेगेटिव मॉलिक्यूल गया और एक और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद इसने क्या बना लिया, इसने बना ली अपनी O3 यानी कि ओजोन। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, ये रेगुलरली ऐसा होता है। लेकिन अब जब हम क्लोरोफ्लोरो का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो उसी बीच यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ना, इसमें क्या होता है, ये कार्बन है, इधर इसके फ्लोरीन जुड़ा हुआ होगा और यहाँ पे इसके दो क्लोरीन भी जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके का होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर जब यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं, यानी कि CFCl2 के ऊपर जब यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं, तो ये भी ब्रेक हो जाता है और ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है CFCl पॉजिटिव में, एंड यहां बनता है Cl-। अब क्या होता है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये Cl- जो बन गया है ना, ये Cl- और यहां से ये जो ओजोन है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और वो Clo बना लेते हैं। अब जब सारा ऑक्सीजन यहाँ Clo बनाने में लगता जाएगा, तो ओजोन तो बन ही नहीं पाएगी क्योंकि सेकेंड वाला स्टेप हो ही नहीं पाएगा। और इस तरीके से धीरे धीरे आपकी ओजोन क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। इस तरीके से आपकी ओजोन जो है वो क्या होती जाएगी, वो पतली होती जाएगी।
ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही आपके ओजोन के पतले होने का कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस। मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे प्रमुख नाइट्रोजन कृत अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनियम नाइट्रेट, बताइए। जल्दी से बताइए। ठीक है निधि, अगले वाले जब आंसर को मैं समझाऊंगी तो मैं आपको आराम से बता दूंगी, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो देखिए, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं ना, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि नाइट्रोजन कृत अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः तीन होते हैं। एक तो होता है आपका अमोनिया, एक होता है आपका यूरिया और एक होता है आपका यूरिक एसिड। ठीक है, हमारे अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मेनली पाया जाता है वो होता है आपका यूरिया। हम ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे आपके जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी जानवर हैं, सभी के अंदर क्या होता है? सभी के अंदर यूरिया मौजूद होता है। सभी के अंदर क्या मौजूद होता है? सभी के अंदर यूरिया मौजूद होता है। अमोनिया की अगर बात की जाए तो अमोनिया क्या है? अमोनिया, ज्यादातर अमोनिया आप लोग देखेंगे कि ये कहाँ पे होता है, ये जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी आपके जलीय जंतु हैं, जितने भी क्या हैं, जितने भी आपके जलीय जंतु हैं, जलीय जंतुओं के अंदर, मतलब जैसे फिश वगैरह हो गई, जैसे मछली वगैरह हो गई, तो मछली वगैरह के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है, अमोनिया उत्पन्न होता है। ठीक है, और जितने भी आपके पक्षी हैं, और जितने भी आपके कृमि हैं, या फिर कह सकते हो जितने भी आपके कीट हैं, इंसेक्ट हैं, तो आपके बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट हो गए, इन सब के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? इन सब के अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो फिलहाल अभी आप लोगों से पूछा गया था कि ह्यूमंस के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, तो ह्यूमंस के अंदर आप लोग बता दो कि ह्यूमंस के अंदर यूरिया प्रोड्यूस होता है। अब मुझे फटाफट से कमेंट करके ये बताएंगे यूरिया कहाँ बनता है, हमारी बॉडी में यूरिया कहाँ बनता है। यूरिया की अगर बात की जाए तो यूरिया से आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, ये बनता कहाँ पे है, और दूसरा, इस यूरिया को फिल्टर कहाँ किया जाता है। तो इस यूरिया को फिल्टर तो आपके किडनी के अंदर किया जाता है यानी कि आपके वृक्क में, लेकिन ये यूरिया आपके शरीर में आता कहाँ से है, बनता कहाँ पे है? मैम, मेरी दीदी भी ये क्लास देख रही हैं, उनका भी एग्जाम है, उनको भी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, उनको भी मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। वेरी गुड वीरू, वेरी गुड। स्वाति भी कह रही हैं, निधि वरुण भी कह रहे हैं, आप लोगों को सभी का आंसर बिल्कुल सही है। लिवर को अगर फिल्टर करने की बात आएगी तो फिल्टर तो वो किडनी द्वारा होता है, लेकिन अगर बनने की बात आएगी तो आपका ये यूरिया बनता कहाँ पे है? ये बनता है आपके लिवर के अंदर। यूरिया बनता कहाँ है? लिवर के अंदर बनता है। उसे फिल्टर करके बाहर कौन निकालता है? फिर किडनी बाहर निकाल देती है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जब टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर कोई पूछेगा कि उत्सर्जन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आप यही बता देंगे कि उत्सर्जन तंत्र जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। वो सभी जानवर जो अपने अंदर से अमोनिया निकालते हैं, उन्हें कहा जाता है अमोनोटेलिक, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जितनी भी आपकी मछली है ना, जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर से अमोनिया निकलता है। वो सभी जानवर जिनके अंदर से यूरिया निकलता है, जैसे कि मैमल्स, जितने भी स्तनधारी जानवर हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है? उन सभी को कहा जाता है यूरियोटेलिक। उन सभी को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। और वो सभी जानवर जिनके अंदर से यूरिक एसिड निकलता है, जैसे कि आपकी चिड़िया,
पक्षी, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, उन सभी को क्या कहा जाता है? उन सभी को कहा जाता है यूरिकोटेलिक. उन सभी को क्या कहा जाता है? उन सभी को कहा जाता है यूरिकोटेलिक. चलिए, तो यहाँ पे वही सारा बताया हुआ है कि जितनी भी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, इंसेक्ट, इन सब के अंदर से ये सब अमोनोटेलिक होते हैं. फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं या मेरीन फिशेज हैं, ये सभी यूरियोटेलिक होती हैं. और जितने भी आप लोगों के इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, रेप्टाइल होते हैं सरीसृप, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, वो सभी यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर से यूरिक एसिड मेनली निकलता है. चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन. एस्पिरिन क्या होता है बताइए, व्हाट इज एस्पिरिन? एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन जो है ये वही केमिकल है जो आपकी डिस्प्रिन नाम की दवाई के अंदर भी पाया जाता है. एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन वही केमिकल है जो आपकी डिस्प्रिन नाम की दवाई में भी खाया जाता है. और ये एस्पिरिन क्या है? ये एस्पिरिन पेन किलर का काम करता है, पीड़ा हारी होता है. कहीं पे भी दर्द वगैरह हो ना, जैसे सिर में दर्द हो तो हम तुरंत डिस्प्रिन खाते हैं, तो कोई भी ऐसी दवाई जो हमारे शरीर में दर्द को खत्म करने के लिए खाई जाती है, उसे कहा जाता है एनाल्जेसिक. कोई भी ऐसी दवाई जो हमारे शरीर में दर्द को खत्म करने के लिए खाई जाती है, उसे कहा जाता है एनाल्जेसिक. तो एस्पिरिन तो इसका कॉमन नेम है, इसका साधारण नाम है. केमिकली अगर आप देखो तो ये होता है क्या? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. एस्पिरिन केमिकली क्या है? केमिकली इट इज द एसिटाइल ऑफ सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वेरी गुड, मेजोरिटी इसका सही आंसर दे रही है. अगला क्वेश्चन बताइए, वातावरण में पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा अवशोषित होती हैं? बताइए सबसे ज्यादा किसके द्वारा अवशोषित होती हैं? यूवी रेज आर मैक्सिमम एब्जॉर्ब्ड बाय. वेरी गुड, मेजोरिटी ने इसका सही आंसर दिया. अभी अभी मैंने बताया था. ये किसके द्वारा ऑब्जॉर्व होती है? आपके ओजोन द्वारा. अच्छा, सबसे पहला ओजोन होल कहाँ देखा गया था? सबसे पहला ओजोन होल कहाँ पे देखा गया था बताइए? सबसे पहला ओजोन होल कहाँ देखा गया था? कौन से महाद्वीप पे, कौन से आइलैंड पे देखा गया ओजोन होल? वेरी गुड, कहाँ पे? एंटार्क्टिका. ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी और नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए. हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन एंड हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी और नाइट्रोजन की खोज किसने की थी बताइए. ये मैं बता चुकी हूँ, गैसेस चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, गैसेस नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं. तो बताइए सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? चलिए वेरी गुड, ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज शेली ने की थी. और नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? और
याद था पर भूल गए, बीरू ऐसे कैसे भूल गए। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज की तो शेली ने थी, लेकिन इसको नाम किसने दिया था? अगर इसके नामकरण की बात की जाए तो ऑक्सीजन की खोज शेली ने की थी, लेकिन इसको नाम दिया था एंटोनी लेबोसियर ने। और एंटोनी लेबोसियर वही वैज्ञानिक हैं जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। एंटोनी लेबोसियर को और क्या कहा जाता है? एंटोनी लेबोसियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिक आयरन। आपके जितने भी गर्म करने वाले यंत्र होते हैं या उपकरण होते हैं, जैसे आपकी प्रेस हो गई या आपकी रॉड हो गई गर्म करने वाली, इन सब के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है? निकल का, क्रोमियम का, नाइक्रोम का या फिर टंगस्टन का, बताइए। प्रेस वगैरह ना, प्रेस के अंदर आप देखेंगे पतली सी पूरी एक प्लेट लगी हुई होती है। प्रेस के अंदर पूरी एक पतली सी प्लेट लगी हुई होती है, वो जो गर्म करती है, वो प्लेट किसकी बनी हुई होती है? ओके बाय निधि वरुण। आज छठ की वजह से देखिए कितने कम बच्चे आए हैं, इसीलिए आप लोगों की पेड क्लास भी आज बंद रखी गई, क्योंकि पता था कि बच्चों की क्लास फिर मिस होगी। कोई कितना भी कह ले, लेकिन क्लास पता था कि बच्चों की मिस हो जाएगी, इसीलिए आज आप लोगों की पेड क्लासेस ऑफ रखी गई हैं। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? निकल का भी यूज किया जाता है, क्रोमियम का भी यूज किया जाता है। और यहीं से आप लोग देखिए, निकल और क्रोमियम को मिला के ही क्या बनता है? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम अगर बात की जाए तो आपकी वो जो प्लेट होती है वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है। और नाइक्रोम किसका बना हुआ है? नाइक्रोम बना हुआ है आपके निकल का और क्रोमियम का। ठीक है, और टंगस्टन जिसका सिंबल होता है W, इसको यूज किया जाता है बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। इसे किसमें यूज करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। आपने देखा होगा इस तरीके का आपका बल्ब होता है ना? तो ये जो आप लोगों को अंदर फिलामेंट दिखता है, ये फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है आपके टंगस्टन का, जिसका सिंबल होता है W। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। वेराइटी ऑफ विच ऑफ द कोल रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। इनमें से कौन सी वेराइटी ऑफ कोल के अंदर ओरिजिनल प्लांट मटेरियल के भी मतलब कुछ तत्व पाए जाते हैं, बताइए। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट या बिट्यूमिनस। ये चारों ना कोल की क्वालिटी है। ये सब क्या है? ये सब चारों कोल की वेराइटी है, जिसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट वेराइटी कौन सी है? सबसे बेस्ट वेराइटी है एंथ्रासाइट। और सबसे पुअर क्वालिटी जो है, सबसे पुअर क्वालिटी जिसकी होती है वो है आपका पीट। तो पहले नंबर पे होता है आपका एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पे होता है आपका बिट्यूमिन। ज्यादातर कमर्शियल पर्पस के लिए आप इसे यूज करते हैं। आमतौर पे आपने जहां पे भी देखा होगा, भट्टी वट्टी में जब भी कोयला इस्तेमाल किया जाता है ना, तो एंथ्रासाइट तो बहुत ज्यादा महंगा है भाई, वो बेस्ट क्वालिटी है। तो एंथ्रासाइट ना लेके हम बिट्यूमिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और तीसरा है फिर आपका लिग्नाइट। इसमें कार्बन क्वालिटी और भी कम होती है, इसमें इतनी कम कार्बन होता है कि ये फिर ना काले से ब्राउन कलर का दिखने लगता है। देखो जितना ज्यादा कार्बन होगा कोयला उतना काला दिखेगा, पर लिग्नाइट में कार्बन की क्वांटिटी इतनी कम है कि वो फिर ब्राउन कलर का दिखने लगता है, और इसीलिए उसको ब्राउन कोल भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ब्राउन कोल। ठीक है, हाँ आज मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ। चलिए, तो प्लांट ट्रेसेस आपके इसी लिग्नाइट के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये
डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, वेराइटी की चार क्वालिटीज होती हैं। आप देख सकते हो सबसे हाई क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट माना गया है, क्योंकि उसके अंदर 94 से 98% कार्बन होता है। सेकेंड नंबर पे आपका बिट्यूमिनस है, इसका आंसर भी बिट्यूमिनस होगा पीछे वाले पे, बिट्यूमिन। अच्छा नेक्स्ट बताइए, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? आयरन का सबसे ज्यादा शुद्धतम रूप कौन सा है? स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन या रॉट आयरन? अभी आयरन के बारे में भी हम बात करेंगे, फिलहाल आप ये बताइए आयरन की सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है? विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? वेरी गुड वीरू सिंह, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रॉट आयरन। कई सारे लोगों ने डी डी आंसर दिया है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रॉट आयरन होगा। देखिए आयरन जो है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? इसका एटॉमिक मास होता है 56। ठीक है, ये ग्रुप 8 का मेंबर है और पीरियड 4 के अंदर आता है, यानी कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, पृथ्वी में ये काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ तक कि हमारी हरी सब्जियों में भी होता है और हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है। इसके मेनली ये चार अयस्क हैं, ये चार ओर हैं जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमनाइट एंड सिडेराइट। ये सभी क्या है? ये सभी आयरन के इम्पोर्टेंट ओर हैं। ये सब क्या है? ये सब आयरन के इम्पोर्टेंट ओर हैं। ठीक है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमनाइट और सिडेराइट। तो सबसे अच्छा हेमाटाइट ही है, क्योंकि उसके अंदर आप देख सकते हो 70% आयरन, 70% आयरन है। मैग्नेटाइट में उससे भी ज्यादा है, 72% आयरन होता है। लेमनाइट में 59.8 है, जिसको आप 60% कह सकते हो। सिडेराइट में 48% आयरन होता है। ठीक है, बाकी अगर आयरन की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को एनीमिया कह दिया जाता है। ठीक है, और अगर कमी हो गई तो एनीमिया कह दोगे, लेकिन कभी कभी इसी ये आयरन आपके शरीर में ज्यादा भी हो जाता है। यूजुअली जो वेल्डर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी बॉडी के अंदर जो है ये आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और उनके स्किन के ऊपर ना आपको डार्क डार्क ब्लैक कलर के आपको स्पॉट दिखने शुरू हो जाएंगे। वो जो डार्क डार्क ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं वो आयरन की वजह से ही होते हैं, और उसी कंडीशन को बोला जाता है सिडरोसिस। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को कहा जाता है सिडरोसिस। ठीक है, बाकी आप लोगों के सामने ये रही वेराइटीज ऑफ कोल। अगर आप देखते हो तो वेराइटी ऑफ कोल के अंदर सबसे पहला है आपका पिग आयरन, जिसके अंदर 4% कार्बन होता है। दूसरा है आपका कास्ट आयरन, इसी का इस्तेमाल ज्यादातर किया भी जाता है आप लोगों के बर्तन बनाने के लिए, रेलिंग्स बनाने के लिए, खंबे वंबे बनाने के लिए, है ना। और तीसरा क्या है फिर? तीसरा है आपका रॉट आयरन, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसे लोहे का सबसे शुद्धतम रूप बोला गया, क्योंकि इसमें बिल्कुल ना के बराबर कार्बन होता है। आप देखो कि 0.1 या 0.2% ही कार्बन है इसके अंदर, तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और बहुत ही ज्यादा हाईली मेलिएबल होता है। तो ये आपके उसका क्या माना गया है, यही आपके आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मानी गई है। ठीक है, बाकी आयरन से आप उसका एलॉय भी बना सकते हो, उसमें कार्बन को मिला के। तो यहाँ पे स्टील आप देख सकते हैं, कार्बन के अंदर जब आप स्टील मिलाते हैं तो उसी से क्या बनता है? उसी से आपका कार्बन के अंदर, आयरन के अंदर जब आप कार्बन मिलाते हैं तो उसी से आपका स्टील बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, डिटर्जेंट को कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए
यूज किया जाता है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, सल्फोनेट होते हैं, या बिस्मथेट्स होते हैं, बताइए क्या होता है डिटर्जेंट के अंदर? पिग आयरन क्या होता है मैम बताइए? स्वाति, पिग आयरन जो है मतलब उसके अंदर थोड़ा सा ना कार्बन मिलाया जाता है ताकि वो टफ हो सके, ठीक है? तो उसके अंदर 4% कार्बन मिलाया जाता है। आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा कहीं करते नहीं क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉमनली जो आप यूज़ करते हो वो कास्ट आयरन होता है, उसके अंदर 3% कार्बन होता है, ठीक है? और एक है आपका रॉट आयरन जिसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर कार्बन होता है, 0.1 या 0.2% ही कार्बन होता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होता है? डिटर्जेंट्स के अंदर सल्फोनेट होते हैं। डिटर्जेंट के अंदर क्या होते हैं? अच्छा, नहीं, ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों का इतना ही था। अभी आप लोगों के और भी इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ये जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना, ये हम 1 बजे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है? ये वाली क्लास आप लोगों की थोड़ी लेट शुरू हुई थी इसीलिए आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाए, बट डोंट वरी, अभी आपकी 1 बजे फिर से एक क्लास है, तो 1 बजे वाली क्लास के अंदर हम लोग ये सारे क्वेश्चंस फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड लक एवरीवन, और अब आप लोगों से मुलाकात होगी ठीक 1 बजे इसी शिक्षक भर्ती के, लेकिन 6ठी 8वीं वाले वर्ग में, ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड लक एवरीवन, थैंक यू सो मच।